वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा इंडिया कास्ट के लगभग 10 चैनल का फ्रीक्वेंसी चेंज होने जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, इंडिया कास्ट के लगभग 10 चैनल HD और HD दोनों चैनल्स का फ्रीक्वेंसी चेंज होने जा रहा है। पहले ये आपको 68 डिग्री वर्टिकल पे देखने को मिलता था, अब 83 डिग्री हॉरिजेंटल पे हो गया। जी सेट 30 नाम हो गया अब सैटेलाइट का। तो इसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि कौन से चैनल है, कौन सा फ्रीक्वेंसी होने वाला है, किस तरीके से आप ट्यून कर सकते हो। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से ट्यून कर सकते हैं, कौन सा आपका फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, चैनल 62 इंटेलसेट 22 जी सेट 30, यानी कि इंटेल सेट 20 सैटेलाइट पे जो चैनल था वो अब जी सेट 30, जिसे 83 डिग्री के नाम से जाना जाता है, उस पर आपका चैनल शिफ्ट होने जा रहा है। जो कि चैनल्स है, पहला जो चैनल है कलर्स इन्फिनिटी चैनल, हाई डिफिनेशन का जो है, पहले आपको 68 डिग्री पे देखने को मिलता था, इंटेल सेट 20 पे देखने को मिलता था। अब ये चैनल आपको जी सेट 30 पे ट्यून करना होगा, तभी आप इस चैनल को देख पाएंगे। उसके अलावा कॉमेडी सेंट्रल HD, VH1 HD, कलर्स इन्फिनिटी HD, MTV बिट्स HD, निक HD, VH1 HD, कलर्स सिनेप्लेक्स HD, कलर्स गुजराती सिनेमा, कलर्स बांग्ला सिनेमा, ये 10 चैनल है जिनकी फ्रिक्वेंसी आज से चेंज होने जा रही है। इसकी अगर डाउनलिंक पिट की बात की जाए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं सैटेलाइट डाउनलिंक पैरामीटर्स जो यहाँ पे कलर्स गुजराती, कलर्स सिनेमा, कॉमेडी सेंट्रल HD, कलर्स इन्फिनिटी HD, कलर्स इन्फिनिटी HD, VH1 HD, पहले जो ओल्ड फ्रिक्वेंसी जो था 4184 था और सिंपल रेट 21600 था, और उसके अलावा निक HD, कलर्स सिनेप्लेक्स, MTV बिट्स और VH1 का 4013 फ्रिक्वेंसी था और सिंपल रेट जो था 7200 था। अब जो करेंट सैटेलाइट हो गया है चैनल का इंटेल सेट 20 से, अब आपको न्यू सैटेलाइट पे जाना होगा जी सेट 30 हॉरिजेंटल पे। तो न्यू फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 3725 और इसकी जो सिंबल रेट रहने वाली है 3400 रहने वाला है। और इस आपको जी सेट 30 हॉरिजेंटल यानी कि 83 डिग्री हॉरिजेंटल पे सारे के सारे चैनल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप MSO रन करते हैं तो किस तरीके से ट्यून करना है, STV ट्यूनिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जी सेट 30 का सिग्नल आप अटैच करेंगे, उसके बाद आपको मेनू का बटन प्रेस करना है। मेनू बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे मैनुअल स्कैन पे आना है। मैनुअल स्कैन पे आने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, 4x0 पासवर्ड है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप वर्टिकल से हॉरिजेंटल पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे पोलराइटी में डिस में आप फ्रिक्वेंसी डालेंगे, जो फ्रिक्वेंसी बताई गई है ऊपर में वो फ्रिक्वेंसी डालेंगे। सिंबल रेट डालेंगे पोलराइटी में, वर्टिकल से हॉरिजेंटल पे शिफ्ट करेंगे और उसके बाद आप उसे स्कैन कर देंगे। स्कैन करने के बाद आपका चैनल आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आप फ्रिक्वेंसी सिंबल रेट डालोगे यहाँ पे, अगर सिग्नल ओके है तो, अगर आपका फ्रिक्वेंसी और सिंबल रेट सही रहेगा तो यहाँ पे सिग्नल और क्वालिटी दिखने लगेगा। फिर आप उसे ओके बटन प्रेस करके चैनल को सर्च कर सकते हैं, और चैनल सर्च करने के बाद आप जो जो चैनल जिस चैनल का डिकोडर है उस चैनल को आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था दोस्तों, उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी दबाएं। आपने देखा लगभग 10 चैनल का फ्रीक्वेंसी चेंज होने जा रहा है, सारे के सारे चैनल एक ही फ्रीक्वेंसी पे है और एक ही सैटेलाइट पे अवेलेबल है। तो जल्दी से आप इस चैनल को ट्यून कर लेना था, आपके चैनल बंद हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर